हैं कि पहली वैक्सीन बनाने वाले महान इंसान का नाम था एडवर्ड जेनर। क्या बात है। एडवर्ड जेनर का जन्म 17 मई 1749 को इंग्लैंड के बर्केले में हुआ था। अच्छा। बचपन में एडवर्ड जेनर को चेचक की बीमारी हुई। इस बीमारी को एडवर्ड जेनर ने जिंदगी भर झेला। क्या? लेकिन एडवर्ड जेनर पढ़ाई में शुरुआत से अच्छे थे। एडवर्ड जेनर ने 14 साल की उम्र में अप्रेंटिस शुरू कर दी थी। इसमें 7 साल का समय लगा। 21 साल की उम्र में एडवर्ड जेनर लंदन में सर्जन बन चुके थे। जेनर जब लंदन में रह रहे थे तो उस समय लंदन में काउ फॉक्स नाम की एक बीमारी फैली। अच्छा। ये बीमारी वैक्सीनिया नाम के वायरस की वजह से फैली थी। 1796 की बात है, एडवर्ड जेनर ने एक लड़के के हाथ में बने काउ पॉक्स के घाव से इंजेक्शन में उसका मवाज निकाला और एक 13 साल के बच्चे को यह इंजेक्शन लगा दिया। नतीजे में सामने आया कि बच्चे में स्मॉल पॉक्स के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता आ चुकी है। इसे आप दुनिया का पहला वैक्सीन मान सकते हैं और तभी से शुरुआत हुई वैक्सीन की और आज हम देख रहे हैं कोरोना की वैक्सीन। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वीडियो कैसे लगी, वीडियो के नीचे कमेंट करें, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे यार, सपोर्ट करो।